रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक केस स्टडी, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लेडी मेरे पास में अप्रोक्सीमेटली 40 साल की, और उनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको ऐसे थाइज में, मांडी में और घुटने के नीचे काफ में ऐसे क्रैम्प्स आते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे झटके मारता है ऐसा उनको लगता है, ऐसा रेस्टलेस। उनको पैर हिलाया, ऐसा पैर हिलाया तो उनको ठीक लगता है। फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनको भी नींद लग जाएंगी, नींद तो बहुत आ रही है, आंखों के ऊपर नींद है, और मगर फिर से वो ऐसा हो जाएगा कि फिर झटका मारो पैर को, तो उनको दोनों पैर, दोनों काफ्स, घुटने के नीचे के पूरा जो है काफ्स है ना वो, और मांडी जो है थे दोनों को भी बहुत झटके, और हाथों को भी, उनको हाथ ऐसे मारना पड़ता था। तो ऐसे उसको रेस्टलेस लेग है, रेस्टलेस आर्म भी है, मतलब दोनों भी है। तो वो उसका ये था, और उसके फिर नींद नहीं आना, फिर नींद नहीं आई तो ऐसा लगता है कि सवेरे नींद नहीं हुई, क्योंकि बहुत ही डिस्टर्ब नींद, कभी बीच में भी जाग आ जाएगा रात को, और फिर उससे में भी ऐसा लगता है कि पैर झटके मारो पैर को, और झटके मारे तो ठीक लगता है। तो उनको मैंने ठीक है, ये तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। अभी इसमें काफ़ी सारी अलग अलग दवाइयाँ लोग देते रहते हैं, किसने विटामिन ई बोला है, किसने सोडियम वेलप्रोएट बोला है, किसने डाइजीपाम दिया है, किसने अल्प्राजोलाम दिया है, किसने B1 B6 B12 के इंजेक्शन दिए हुए हैं, मतलब अलग अलग है। कोई किसने विटामिन के दिया हुआ है, कोई बोलते नहीं बहुत सलाद खाओ, ऐसे काफ़ी सारा मतलब उसमें ट्रीटमेंट दे के रखा है। एक्चुअली इसमें फ़र्क ये पड़ता है इससे कि मैं उनको एक मेरी दवा देता हूँ, वो दवाई ऐसी है कि हमने कुछ होम्योपैथी में एक उसका फॉर्मूला तैयार किया हुआ है, और वो उसमें काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ता है, तो वो देता हूँ मैं। और दूसरा उनको मैं मतलब नी कैप जो आती है, तो नी कैप ऊपर तक चढ़ा, मांडी तक नी कैप चढ़ाना, तो एक नी कैप जो है वो नी के नीचे जो एकदम टाइट है छोटी साइज़ की, और ऊपर भी वही नी कैप है जो टाइट है, ताकि वो ऐसा पकड़ लेंगी बिल्कुल पूरे तुम्हारे पैर को, और इधर दो इधर दो वो है। और कुछ दिन तक आप थोड़ा उसको टाइट कोई रबर से बांधो या ऐसा कुछ, तभी जहाँ ज़्यादा झटके आ रहे वहाँ ये करो। तो ये घरेलू इलाज है उसका, और उसमें फिर आप यदि बांध के रखते हैं ऐसा और झटके थोड़े कम हो जाते हैं, आप ही आप नींद आ जाती है आपको, क्योंकि फिर एक बार दवा चालू किया कोई डाइजीपाम अल्प्राजोलाम जैसी दवाई, फिर उसकी आदत लग सकती है। तो ये जो है कि मतलब आराम से नींद लेना, शांति की नींद लेना, ये यदि चाहिए आपको तो ये आपको थोड़ा मसल्स को टाइट रखना। फिर उनको मैंने एक वो जो फुट और थाई मसाजर जो आते हैं, तो वो भी मैंने मसाजर का मैं रिकमेंड करता हूँ कि मतलब फुट और थाई और काफ जो है ना, ये पूरा एरिया जो है वो मसाज कर रहे, और वो मसाज करके उनको काफ़ी मतलब मसल्स में काफ़ी रिलैक्स लगता है मसाज करके, और फिर उससे भी काफ़ी उनको अच्छी नींद आती है। फिर तीसरा है कि भाई रिलैक्सेशन थेरेपी, कि भाई जो आप सोते हैं आड़े हो जाते हैं, मतलब बेड पर सोते हैं लेटते हैं, तो उसमें सम्मोहन उपचार हिप्नोटिज्म की रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स करना, पैर हाथ सब पूरा रिलैक्स करना, पूरा रिलैक्स छोड़ देना, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप रिलैक्स कर लेते हो और पूरा ख्याल अपने सांस के ऊपर रखते हो, एकदम शवासन, शवासन मतलब क्या, शव जैसा आसन, वो शवासन, तो वो करने का है और उसमें ही लेटे रहने का है और सांस के ऊपर ख्याल देने का है। और फिर मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि आप ये कल्पना करो कि आप समुद्र के किनारे हैं, वहाँ रेत है, और रेत के ऊपर आप 99 का आंकड़ा लिख रहे हैं, एक लकड़ी है आपके हाथ में, वो जो रेत है उसके ऊपर 99 का आंकड़ा लिख रहे, फिर उसको मिटा रहे, या पानी जैसा आता है ना तो वो पानी उसको बह के मतलब वो निकल जाएगा, फिर आप उसके ऊपर 98 का आंकड़ा निकाल रहे, फिर पानी आके पानी की लहर आती है और फिर वो लहर उसको, पानी की लहर उसको मिटा देंगी, फिर 97 का आंकड़ा है, मतलब इस तरह का आप आंकड़े निकालते रहो और आप पूरा बदन रिलैक्स करके लेटते रहे। तो ये काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होता है, और वो लोग फिर बोलते कि नहीं हमको बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये इलाज लोग करते हैं और ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से वो छुटकारा पा सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।